हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, एक कोटा यूनिवर्सिटी परीक्षा दो हज़ार बाईस का जो एग्ज़ाम है, 5 जून 2022 का जो शेड्यूल था उसको यहां पर चेंजेस कर दिया गया है। 5 जून में जून में जो भी आपको यहां पर एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए गए थे तो उसका यहां पर एग्ज़ाम होना था, ठीक है। यानी कि जून 2022 का जो 17 था उसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एग्ज़ाम्स की, उसको तारीखों को यहां पर चेंजेस कर दिया गया है। अब यहां पर 19 दिसंबर में आपको यहां पर एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो यहां पर 19 तारीख को यहां पर एग्ज़ाम नहीं होगा, इसकी नई तारीख यहां पर घोषित कर दी गई है। और इसकी जो 19 तारीख की जो डेट है इसको चेंज क्यों किया गया है इसकी भी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो में जानकारी के साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। साथ में इसका जो नया टाइम टेबल है परीक्षा 17, यहाँ पर 17 अंक परीक्षा 2022 का जो जून 2022 का जो 17 अंक है उसका जो परीक्षा टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया गया है। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। और जो भी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स भी मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कारण क्या रहने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं VMOU जून परीक्षा की तारीखों में संशोधन, ठीक है। यानी कि जून 2022 का जो सत्र चल रहा था उसकी तारीखों में यहाँ पर चेंजेस कर दिया गया है। कारण क्या बताया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा, उसको देखते हुए ये दोनों के यहाँ पर एग्जाम में टकराव यहाँ पर आ गया है, तो एक एग्जाम को रोकना बेहद जरूरी है, ठीक है। दोनों एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने VMOU कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जून 2022 17 अंक परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं 19 दिसंबर की डेट में आपको यहाँ पर एग्जाम होना था 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक, और इसको यहाँ पर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 30-31 दिसंबर 2022 से आपको यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। नई तारीखें यहाँ पर देखते हैं 30 और 31 2022 को और 2 से 5 जनवरी 2023 के बीच में आपको यहाँ पर एग्जाम होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो पारियाँ हैं कौन सी पारी में कितने यहाँ पर किसका एग्जाम होने वाला है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यही कारण है कि RPSC जो सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है 21 दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर तारीखों को चेंजेज कर दिया गया है। अब बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो ये रहा आप यहाँ पर ऑफिशियल टाइम टेबल जो कि VMOU विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से यहाँ पर विभाग की तरफ से जारी किया गया है। डेट यहाँ पर देख सकते हैं 13/12/2022 की डेट में यहाँ पर जारी किया गया है। 17 अंक परीक्षा 2022 के संशोधित परीक्षा तिथि के संबंधित में महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दी गई है, जिसमें 19/12/2022 से लेकर आपको 24/12/2022 तक आपको यहाँ पर आयोजित होने वाली जो परीक्षा है उसको स्थगित कर दिया गया है और संशोधित जो कैलेंडर है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बात करते हैं कब कब आपको यहाँ पर एग्जाम होगा। यहाँ पर 19/12/2022 की डेट में आपको यहाँ पर एग्जाम होने वाला था, अब ये एग्जाम यहाँ पर कब होगा 30/12/2022 यानी कि 30 दिसंबर को शुक्रवार को यहाँ पर होने वाला है पूर्वानुसार, ठीक है। यानी कि समय तिथि सेम रहने वाली है, पिछले जो कैलेंडर जारी किया गए समय तिथि वही रहने वाली है। जो ये वाला बॉक्स है ये वाला बॉक्स पुराना ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। केवल इसमें यहाँ पर चेंजेस किया गया है, जिसमें आप यहाँ पर 20 दिसंबर की डेट में जो एग्जाम होने वाला था वो 31 दिसंबर को होगा, और 21 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला था वो 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2023 को होगा, ठीक है। और 22 दिसंबर को एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम आपको यहाँ पर 3 जनवरी को होगा, और इसके साथ 23 दिसंबर को होने वाला था उसका एग्जाम 4 जनवरी को होगा, ठीक है। और 24 दिसंबर की डेट में होने वाला था उसको 5 जनवरी 2022 की डेट में यहां पर एग्जाम होने वाला था। तो ये पूरा शेड्यूल नया शेड्यूल यहां पर जारी कर दिए गए, इसको देखते हुए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसकी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी हैं। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।